still exploring Bhopal and today I am standing on the Tropic of the Cancer, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ये जगह लगभग भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर लगभग 8 स्टेट से होकर गुजरती है, उसमें भोपाल भी एक आता है। एंड अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो तो ये लाइन इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर और नीचे। लेट मी शो यू। सो फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर की लाइन इस पॉइंट से शुरू होती है एंड अगर आप सही से देखेंगे तो ये लाइन रोड के सामने एक और पॉइंट है, वहाँ पर जाकर मिलेगी, जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में चमत्कारी और अनोखे मंदिरों की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही एक मंदिर में मैं यहाँ आया हूँ। ये कंकाली माता का मंदिर है जो भोपाल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माता की जो मूर्ति है उनकी गर्दन थोड़ी सी तिरछी होती है और ये सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही एक दिन सीधी होती है। और भी इस मंदिर के कई चमत्कार हैं, आइए आपको बताते हैं। कंकाली माता के मंदिर में बहुत सारे लोग दूर दूर से मन्नत के लिए आते हैं और ये जो सारी आप चुनरियाँ देख रहे हैं इन खंभों पर बंधी हुई हैं, ये सारी मन्नत की चुनरियाँ हैं जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और इस चुनरी को बांध के चले जाते हैं और जब वो मन्नत पूरी होती है तब वो वापस आकर इस चुनरी को निकालते हैं। ये है गुफा मंदिर। दोस्तों, शहर के बीचों बीच बना हुआ ये बड़ा खूबसूरत मंदिर है भगवान शिव का। इस मंदिर में 7 प्राकृतिक गुफाएं हैं, 7 नेचुरल केव्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं इस चट्टान पर। और आगे हम अगर चलेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की भी एक इन्होंने मूर्ति बना रखी है इस चट्टान पर। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक संस्कृत स्कूल भी चलता है जहाँ पर सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है और यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं सिर्फ संस्कृत पढ़ने के लिए। और ये है गुफा मंदिर का वो स्वयंभू शिवलिंग जो एक छोटी सी गुफा के अंदर बनाया हुआ है। और इस गुफा की खास बात यह है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, इस गुफा में नेचुरली पानी 12 ही महीने टपकता रहता है।